So hello friends, this is your host Rachit Pangala. I hope you all are feeling fine. जैसे कि आपने थंबनेल वगैरह देख लिया भाई, आज मैं ना एक अपने थोर की गार्डिंग के लिए ना वर्किंग के लिए एक अच्छे बंदे, एक बहुत नॉलेजेबल बंदे के पास आया हूँ। मेरे भैया हैं वो। सो आप लोगों ने देखा होगा कि रोटवाइलर होते हैं ना यार, वो ऐसे आप ऐसे एक बैंड से पहन लेते हैं और वो पूरे हाथ पे वैसे काट लेते हैं, मतलब वो गार्डिंग वाली जो ट्रेनिंग होती है। तो मैं सोच रहा हूँ थोर की वो ही कराऊंगा। सो आज एक बढ़िया पर्सनैलिटी के पास आया जो इस चीज महारथी है, तो विवेक भैया के पास आया हूँ मैं, और आज उनसे सारी बातें करेंगे और वो सारी आपको ना नॉलेज देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है और थोर की कैसे ट्रेनिंग करवाए। आप कहेंगे तो भैया के पास ही छोड़ देंगे थोर को, या देखते कैसे कैसे होता है चीजें। सो स्टार्ट करते हैं। और उनके पास फीमेल है, उनकी एक इतनी मस्त फीमेल भाई, इतनी तगड़ी गार्डिंग वगैरह करती है, वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको मैं। चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं उनके साथ। क्यों नहीं दिखाते, उनकी फीमेल है और वो 4 साल की फीमेल है और इतनी एक्टिव फीमेल है भाई, मजा आ गया मेरे को। तो आपको सारी चीजें दिखाएंगे और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि थोर की ट्रेनिंग कब करवाएं। और भाई सच्ची में कराने मेरा पूरा जी में है, थोर इतना बड़ा शेर तो है ही, तो फिर उसकी भी ये ट्रेनिंग करवाएंगे सारी चीज। उसके टेम्परामेंट वगैरह तो बहुत अच्छा है, सबको पता ही है, आप लोगों को पता है अपनी थोर क्या चीज है। सो और अब वो ट्रेनिंग कराएंगे और भैया की डॉग से भी मिलेंगे। भैया की जो फीमेल है वो भी, उसने बहुत नाम कमाया भाई, हद से ज्यादा नाम कमाया उसने, और उसने इतने सारे ट्रॉफी जीती हुई है। आप लोग एक बार पहले उसके ना अवार्ड देखो, कितने सारे अवार्ड जीते हुए उसने डॉग शोज में। सो पहले वो अवार्ड देखो, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। सो दोस्तों पार्क में आ गए हैं, तो क्यूनी के साथ अपने सेशन कर रहे थे। तो भैया कैसे हो भैया? मैं बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपको। ये देखो हमारी प्यारी बच्ची, ये इतनी समझदार है ना और इतनी अच्छी वेल ट्रेन्ड फीमेल है, इससे अच्छी वेल ट्रेन्ड फीमेल मैंने आज तक नहीं देखी है, ठीक है। और भैया मैं आपके पास आया इसलिए हूँ कि हमें, मेरे को थोर, आप जानते ही हो अपने थोरू को, और थोरू को आप यूँ सोचे कि आप क्यूनी की तरह ट्रेनिंग करवा देते हैं। भैया कोई इशू नहीं है भैया, वो हो सकता है भैया, ट्रेन क्यों नहीं हो सकता भैया, वो भी एक डॉग ही है। तो मेरा एक इशू था भैया, जैसे कि हमारी जो, वैसे मैं इसको क्यों ही अपनी रानी बोल देता हूँ इसको, ठीक है, वैसे इसका नाम क्यों नहीं है। और ये सबसे बढ़िया, मतलब ये वर्किंग जो ट्रेनिंग होती है इसकी, सारी ट्रेनिंग हुई हुई है। कौन कौन सी ट्रेनिंग हुई हुई है भैया इसकी? भैया बेसिकली ये पीडीसी ओबीडियंस पास है, ठीक है, जो इसकी ट्रेनिंग में सर ये बाइट वर्क करती है, हीलिंग करती है आपका, ठीक है, और साथ के अंदर ये प्रोटेक्शन वर्क करती है। अगर जैसे कि हम इसके अंदर हमारे सिनेरियो होते हैं, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं, हमसे कोई रास्ते में लिफ्ट मांग ले, ठीक है, और वो एकदम से हमें पिस्टल निकाल के दिखा दे, तो मेरी फीमेल के लिए मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि ये मेरे लिए लोडेड गन है, ये मेरे को बचा लेगी, ये एकदम से उसको बाइट कर देगी, ठीक है। तो इसकी अभी आपने जैसे भैया ने बताया, इसकी जो बाइट की ट्रेनिंग थी वो आपने अभी देखी भी, जो अभी आपने क्लिप साइड में देखी है, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि थोर को भी ऐसे करवा सकते हैं। हाँ भैया कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भी डॉग ऐसा कर सकता है, बस जैसे बस उसके अंदर उसका प्रे ड्राइव हाई होना चाहिए, ठीक है, उसके जेनेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, बाकी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होती है, जब वो ट्रेनिंग करेगी तो सभी डॉग्स कर सकते हैं। उसकी एज अभी 2 साल होने वाला है वो। भैया ट्रेनिंग के अंदर एज कभी भी मैटर नहीं करती है, चाहे आप 1 महीने से ट्रेनिंग स्टार्ट कराइए, चाहे आप 3 साल के कुत्ते को ट्रेन कराइए, चाहे 10 साल के कुत्ते को ट्रेन कराइए, कुत्ता वहाँ से भी सीख सकता है। अब जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई की भी कोई एज नहीं है, तो ऐसे ट्रेनिंग की भी कोई एज नहीं है। तो भाई फिर आप वो कराते हैं अपने थोरू को। और ये हमारी जो इतनी प्यारी फीमेल है, मैं ऐसी फैन नहीं हूँ इसका, मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो इसने, इसके अंदर ना एक खूबी है कि जो असलियत में रोटवाइलर्स को वर्किंग बोलते हैं, तो ये देखो। अभी भी एक और बात थी, जैसे रोटवाइलर एक वर्किंग ब्रीड है, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ आप इंडिया में जो देख रहे हैं, हाँ जी, इंडिया में आप लोग कैसे देख रहे हो, आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, हाँ, ज्यादातर लोगों को यूट्यूब के थ्रू पता चल रहा है और नॉर्मल है डॉग शोज में देख रहे हैं, तो अपने केसीआई डॉग से जो होते हैं उसमें वर्किंग नहीं होती सर? उसमें वर्किंग नहीं होती बेसिकली, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आज आपको एक रियलिटी बताता हूँ। इंडिया के अंदर ना वर्किंग हमें करानी चाहिए, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाहर के लोग वर्किंग इसलिए भी करा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हर टाइम एक ही होता है, ठीक है। अगर जैसे अब मेरे को वर्किंग करानी है तो मेरे को बाहर आना ही पड़ेगा जी। अब आप भी देख रहे हो इस समय पे कम से कम 43 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं इसके इस टेम्परेचर पे अगर मैं अपने डॉग को ट्रेनिंग कराऊंगा
तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना थोड़ा सा बॉडी भी अपना लूज करेगा, हर चीज करेगा, वेट लूज करेगा। अब मेरे को शोज के अंदर जाना है तो मेरे को अपने डॉग को उस तरीके से प्रिपेयर भी रखना है कि वो बिल्कुल टाइट रहे, हर तरीके से वो परफॉर्म करे। ठीक है, बट वर्किंग इसलिए जरूरी है, और एक जो बॉडी का टाइप होता है ना, जो रॉटवीलर ब्रीड स्टैंडर्ड बेसिकली जो बना है वो इसीलिए ही बना है कि आप एक तरीके से जो प्रॉपर ब्रीडिंग है वो करिए। और जैसे इसकी मजल 60-40 की रेशियो होती है, आप क्योंकि नाक से सांस लेना, जिसका ओबेसिटी होगा जैसे कि मैं, अब उसके अंदर अब मेरे को भागने के लिए बोलोगे तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, नहीं भाग पाऊँगा। उसके बाद ओबेसिटी के कारण क्या होगा आपका, कि आप भाग नहीं पाओगे, नाक से सांस की जगह आपको मुंह से भी सांस लेना पड़ेगा। ऐसे ही रॉटवीलर के अंदर अगर उसका मजल प्रॉपर नहीं होगा, उसके अंदर अगर आप उसका बाइट पिलो कुछ भी डालोगे, अगर उसके बाद उसको रनिंग कराओगे, तो वो जो टिमिटो टाइप डॉग्स होते हैं उसके अंदर उसकी मजल शॉर्ट होने की वजह से वो सांस मुंह से लेते हैं। ठीक है भैया, तो वो वहीं पर ही डॉग गाइड कर जाएगा। तो भैया के कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग, अगर रोटवाइलर आप ले रहे हो तो ये वर्किंग ब्रीड है, सिंपल हाँ। सी बात है, तो उस ही एनाटॉमी का डॉग ले जो प्रॉपर वर्किंग में काम भी आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 60-40 रेशो आपने ये बताया, मैंने आते ही देखा, मैं कहा यार भैया, मैंने कहा था कि कोनी का भी यही फेस है, भैया कहते कि हाँ कोनी का भी यही फेस है, क्योंकि फीमेल का फेस ऐसा होना चाहिए। फीमेल शुड ऑलवेज बी लुक लाइक अ फीमेल एंड मेल शुड ऑलवेज बी लुक लाइक अ मेल। और जैसे कि हम इंसानों में भी है, जो मेल होता है वो मेल थोड़ा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है वो ब्यूटीफुल अच्छी लगती है, मेल स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है, मेल स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है। तो भाई सर बेसिकली जो मैंने अपनी फीमेल है, मैं अपनी फीमेल की पहले लाइन बता देता हूँ। हाँ जी, मेरी फीमेल जो फादर साइड है वो आसपाल एंटीनियस है, मदर साइड है वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है निकिता इंपीरियल वॉरियर। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इसको जो फीमेल को लिया था वो इसकी मदर की वजह से लिया था। ठीक है। सेकेंडली जो मैंने इस फीमेल की मीटिंग कराई, मैंने बहुत सोच समझ के कराई, मैंने उसकी जनरेशन को रीड करा, उसमें देखा कि दोनों में कौन सी जनरेशन को अगर इकट्ठे मिलाऊंगा तो क्या चीज़ वो बनेगी। उसके पुराने जनरेशन के मैंने बच्चे देखे, तो वो बच्चे देखने के बाद मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चे हो सकते हैं मेरे पास भी। मैंने उन सब चीज़ों को रीड करके, इसकी जनरेशन को मैच करके 5 जनरेशन को, उसमें देखा कि मेरी काफ़ी ज़्यादा जनरेशन उसकी लाइन में भी यही है डॉग की, मेरी फीमेल में भी यही है, तो ऑब्वियसली बात है, तो फ्यूचर में जाके वो जनरेशन जब आपस में मिलेंगी तो बच्चा उस तरीके का आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जी जी जी। तो मैंने उस तरीके से अपनी ब्रीडिंग करी है आज तक, और मैं अपनी ब्रीडिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बार, क्योंकि मैंने जो डॉग यूज़ करा है, रेदर मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं 50,000 में मीटिंग करा लूँ या उससे कम में भी करा लूँ, 20,000 का भी ऑफर था, बट मैंने अपनी फीमेल के लिए 1,00,000 रुपीज़ पे करा मीटिंग के लिए, क्योंकि वो डॉग मेरे को बहुत कुछ ज़िंदगी में दे सकता है। और मैं इसकी बच्ची भी रिटेन कर रहा हूँ, एक बच्ची मैंने सर इसकी इंडिया से भी बाहर सेल करी है। जी जी जी। और मैंने बाकी कोशिश मेरी यही है कि मैं वर्किंग हाउस में भेज सकूँ। मेरे पास इस समय सिर्फ इसके 3 फीमेल पपीज अवेलेबल हैं। ठीक है। जिसका मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपकी वीडियो से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं 60,000 से उसका प्राइस कम नहीं दूंगा, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फीमेल अवेलेबल है। मैं सिर्फ रॉट का ब्रीडर हूँ, मैं और किसी चीज़ की ब्रीडिंग नहीं करता। बिया का नंबर स्क्रीन पे आ ही रहा है, पेट डाइवर्सिटी पे आप कॉल ना करना, जो क्वीनी के बच्चे हैं वही बात है, सीधी सी बात है, भैया ब्रीडर है इसके, तो आपको 3 फीमेल पपीज़ है वो आपको अभी अवेलेबल है, वो भैया के नंबर पे मिल जाएंगे, आप कॉल करो, भैया से बात करो, और भैया ने प्राइस साफ बता दिया कि भाई मिनिमम 60,000 है, फिक्स प्राइस है, इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। पर भाई आप ये चीज़ ना वैल्यू फॉर मनी है, बल्कि आप प्राइस कम पे कर रहे हो जो चीज़ आपको मिलने वाली है, जो मैं खुद बता रहा हूँ आपको। और रही बात, एक और बात, भैया ने कहा कि एक पपी बाहर जा रहा है, उसके लिए मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया था भैया का, भैया का पपी जर्मनी जाने लग रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू भैया, मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम पपी जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा, क्योंकि एक ब्रीडर को खुशी जब होती है जब उसको सर अच्छा घर मिलता है। मैं भी अपने पपी बहुत जगह बेच सकता था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, बट मैं ऐसी चीज चाहता हूँ कि बच्चे को मेरे प्यार मिल सके, क्योंकि मैंने एक अपने बेटे की तरह प्यार करा। सही बात है, सब बच्चों को मैंने अपने, ये तो आपने चैनल पे आप देख ही रहे हो कि हम अपने, हम एनिमल लवर्स हैं, ये चीज इनका खर्चा निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक वैल्यू भी रखनी पड़ती है। बट मैंने अगर ब्रीडिंग करी, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, मेरे को ब्रीडिंग की जरूरत नहीं है। मैंने ब्रीडिंग इसलिए करी कि आप अगर कोई पैशन है आपका, वो पैशन आपका जब तक ही रहता है जब तक वो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनता। जी 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 जी। तो मैं इसको अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं बनाना चाहता, और जो इसके पप्पी इसके पैसे आएंगे वो वेरी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सिर्फ अपनी फीमेल के ऊपर लगाऊंगा, और जो मैंने बताया वही बात है, पशु है उनके ऊपर वही है जो
इनसे पैसे आते हैं वो इन्हीं के ऊपर ही लगते हैं, इनसे कोई महंगा नहीं बनवाता है। फिर अगर आप ये चीज बोलो कि फिर आप इतना कॉस्टली क्यों दे रहे हो, तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, मैंने अपनी फीमेल की ट्रेनिंग पे इतना पैसा लगाया है जिसकी कोई हद नहीं, और मैंने अपनी फीमेल को एशिया में फर्स्ट फीमेल है जो पीडीसी ओबीडियंस पास है अभी तक। उसके बाद मैंने 2021-2022 में जितने भी शोज है उसमें मोस्टली सब शोज में ये जीती है। इसमें सारे इंपोर्ट्स को जो उस समय शो के अंदर प्रेजेंट थे सबको हराया है, मेल्स को भी हराया है, फीमेल्स को भी हराया है। इसको बीओबी भी मिली है, इसको ग्रुप विनिंग भी मिली है, इसको काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। तो मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं क्वीनी का ऑनर हूँ। आजकल क्या होता है, हर बंदे को लोग डॉग की वजह से जानते हैं, फीमेल की वजह से किसी को नहीं जानते जी, जी, जी। और इम्पोर्ट डॉग की वजह से जानते हैं, पर मेरी फीमेल ऐसी है जिसने मेरे को फीमेल अकेली ने मेरे को इतना नाम दिया है कि मेरे को आज के दिन पे पूरे वर्ल्ड में लोग जान रहे हैं और मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का बहुत शुक्रिया हूँ और मैं अपनी फीमेल को बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि मैं सबको बोलता हूँ हाँ मैं क्वीनी का ओनर हूँ। हाँ, लोग हाँ। मेरे को क्वीनी के ओनर से जानते हैं। तो इसकी एक बोलते हैं ना कि जैसे बेटा अपने पापा का नाम करेगा, ऐसे मेरी बेटी ने मेरा नाम करा। जिस जिसको अपने क्वीनी के पप्पीज लेने हैं, 3 फीमेल पप्पीज है अवेलेबल तो थे बट वो अब सेल आउट हो गए, बट आप 3 पप्पीज है फीमेल पप्पीज तो जरूर लेना। और भाई वो ही लेना जो उनको अच्छी तरीके से केयर कर पाए। सिंपल सी बात है, केयर करनी ज्यादा जरूरी है, जो इनको प्रॉपर एक्सरसाइज दे सके। भैया पता है मतलब क्या, पेट तो मिनिमम सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट, उसमें भी ये खुश रहेंगे, पर उनको वो भी खुला मिलना चाहिए, खुला जी सके अपनी, प्रॉपर उनको स्पेस भी होनी चाहिए। और जो जिस चीज के लिए फीमेल फेमस है ना, आगे जाके उसकी बच्चियां भी उसमें ही नाम कमाए। ये चीज चाहता हूँ, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये चीज चाहता हूँ कि हर ब्रीडर का नाम होता है उसके बच्चों से जी। तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे घर में जाए, वो उनको शो में लेके जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना बोलता हूँ कि मेरे बच्चे आपको ना कभी भी कम महसूस नहीं करवाएंगे, वो आपको स्पेशल फील करेंगे। जैसे आज मैं क्वीनी का ओनर होने के बाद मैं अपने आप को फील करता हूँ ना, ऐसे ही मैं ये चीज इतना जानता हूँ कि ये बच्चे आपको भी वही चीज का फील कराएंगे, कल को लोग आपको भी सब जानेंगे। तो बड़ा मजा आया भैया से मिलके, भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू भैया। और जो नॉलेज गेन होती है हर जगह से नॉलेज ले लेनी चाहिए जहाँ से भी मिले, तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके और इतने प्यारे प्यारे पपीज और इतनी प्यारी फीमेल देख के। हेलो सो फिर कभी वीडियो में मिलेंगे जल्दी और किसी प्यारे से व्लॉग में। सो तब तक के लिए प्यार बरसाओ, और जिस जिसको जेन्युइनली किसी को एक अच्छा अच्छी फीमेल लेनी है अपनी ब्रीडिंग के लिए भी और या फिर वैसे अपनी फैमिली के लिए भी, तो आप जरूर एक बार भैया से बात कर सकते हो, जरूर करना। नंबर अपना स्क्रीन पे आ रहा है, इतनी देर से भैया का ही नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। पेट डाइवर्सिटी पे फोन मत करना इन बच्चों के लिए, ठीक है। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बढ़िया थे क्या बच्चे? मस्त देख रहा था उनको, लेके चले गए वो, देख लो आ जाके देख लेते हैं। ये फीमेल है ना, अच्छे हैं, है ना, अच्छे हैं बच्चे सारे, बहुत सुंदर है। और ये हमारे क्यूनी, चलो ये देखो भाई। चलो भाई इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जल्दी, एक और व्लॉग बनाते भी हैं, ठीक है, और मस्त मस्त चीजें लेके आएंगे। सो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हो, बाय बाय।